साल पहले गायब हुए एक करोड़पति बिजनेसमैन का शव फ्रीजर के अंदर से बरामद हुआ है। धारदार हथियार से शव को कई टुकड़ों में काटा गया, फिर उन्हें फ्रीजर में रखा गया था। एक अपार्टमेंट की पार्किंग में मृतक की कार मिलने के बाद पुलिस शव तक पहुंची। मामला थाईलैंड का है, जबकि मृतक जर्मन नागरिक है। फिलहाल थाई पुलिस केस की जांच में जुटी है। डेली मेल की रिपोर्टर के अनुसार लापता 62 वर्षीय जर्मन रियल एस्टेट टाइकून हैंस पीटर वाल्टर मैक का शव पुलिस ने बीती शाम बरामद कर लिया। शव पाटाया सिटी में एक किराए के घर में मिला, जिसे फ्रीजर में रखा गया था। घटनास्थल से एक ऑटोमेटिक आरी, रस्सी, वैक्यूम सीलर, पानी की बोतल आदि मिली है। ग्रेटर नोएडा में चल रहे धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार में अचानक भगदड़ मच गई, जिसकी वजह से कई लोग बेहोश हो गए, तो कई ही लोगों को ऑक्सीजन लेवल गिर गया। इसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई और लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। दिव्य दरबार में हाजिर हुए सभी लोगों में आने जाने की होड़ थी। इस दौरान कई लोग बैरिकेड तोड़कर आगे तक पहुंच गए। पुलिस ने जैसे तैसे उन लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। टमाटर की बढ़ती कीमतों ने लोगों की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। केंद्र सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते दिल्ली एनसीआर के लोगों को सस्ते टमाटर मुहैया करवाने की योजना बनाई है। केंद्र सरकार ने आज सहकारी समितियों ने फेड और एनसीसीएफ को आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र से टमाटर खरीदने का निर्देश दिया है। बताया जा रहा है कि सरकारी समितियों ने फेड और एनसीसीएफ के माध्यम से कर्नाटक व महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश से टमाटर खरीदकर दिल्ली एनसीआर के लोगों को 14 जुलाई से कम दाम पर देंगे, जिससे दिल्ली एनसीआर के लोगों को अच्छी खासी राहत मिल जाएगी। भारतीय त्रिज सेवा दल ने 14 जुलाई को बैस्टिल दिवस परेड के लिए फ्रांस में अभ्यास सत्र आयोजित किया। सैन्य दल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की धुन पर मार्च अभ्यास किया। सनाया नाम की एक महिला ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने अमेज़न द्वारा भेजा गए गलत ऑर्डर की शिकायत की। महिला ने जानकारी दी कि उन्होंने 8 जुलाई को 50,900 रुपए में एप्पल वॉच 8 ऑर्डर की थी, लेकिन बदले में उन्हें गलत ऑर्डर दिया गया। 8 जुलाई को ऑर्डर की गई वॉच की डिलीवरी महिला के पास 9 जुलाई को हो गई, लेकिन उसमें एप्पल वॉच 8 नहीं थी। महिला ने बताया कि ऑर्डर के पैकेट में फिट लाइट घड़ी दी गई। वहीं अमेज़न का कहना है कि उनके पास किसी रिफंड या एक्सचेंज की पेशकश नहीं की गई है। दिल्ली के कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गई है। लोग अपने घरों का सामान समेट कर सुरक्षित स्थानों पर जाने लगे हैं। वहीं सरकार ने लोगों से अपील की है कि जल्द से जल्द सुरक्षित जगहों पर पहुंचे। यमुना का जल स्तर बढ़ने पर डूबे क्षेत्र में घरों और दुकानों में पानी घुस गया है। इन क्षेत्रों में रहने वाले हजारों लोगों को सुरक्षित क्षेत्र में शिफ्ट कर दिया गया है। पाकिस्तान के लरकाना में रहने वाले एक परिवार के नाम अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। खुद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्डर्स ने अब उनकी कहानी शेयर की है। 9 सदस्यों वाले इस परिवार में एक चीज कॉमन है, और वो है उनका जन्मदिन। परिवार के सारे सदस्य 1 अगस्त को पैदा हुए थे। वे सभी एक ही दिन अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं।